खबर रीवा से है, जहां जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जारी चर्चा और आगामी के लिए आने वाले ऐसे निर्णय के बारे में जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतंत्र संविधान को समाप्त करने पर आमदा है। संवैधानिक संस्थाओं को तानाशाही तरीके से पंगु बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक किसान आंदोलन के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है, मजदूरों के अधिकार भी छीन रही है। जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय इकाई द्वारा लगातार कर्नाटक के अंदर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा एनडीए के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर इकाई ऐसे निर्णय का विरोध करती है। और मैं माननीय एचडी देवेगौड़ा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप एक भारत देश के सेक्युलर विचारधारा के एक आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और आपकी जब सरकार थी तो आपने इस देश के नागरिकों और किसानों के लिए बहुत आपने काम किया। जितने भी दिन आपकी सरकार रही उस दौरान आपने बहुत अच्छे काम किए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस हुकूमत के चलते पूरे देश में बर्बादी का माहौल है, कोई भी सुखी से जीवन नहीं जी पा रहा, तमाम संस्थाएं बेच दी गई, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं और सरकार अभी मणिपुर की तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पूरे देश के हालात खराब चल रहे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर देश में जहर घोला जा रहा है, तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, सांसद विधायक खरीद करके सरकारें बनाई जा रही हैं, ये परिपाटी देश में कभी नहीं थी। तो हम निवेदन करेंगे कि मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर इकाई आपसे यह मांग करती है कि ये जो भी फैसला आप करने जा रहे हैं, जो मीडिया में लगातार आ रहा है, इसको आप यहीं पर रोकने का काम करें, अन्यथा मध्य प्रदेश की जो इकाई है जनता दल यश की, वो इस निर्णय के आपके खिलाफ रहेगी और हम समाजवाद और सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां जिले में बड़े ही धूमधाम से तीज का पर्व मनाया जा रहा है। सभी महिलाएं एक साथ मिलकर तीज के पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना रही हैं। महिलाओं के लिए तीज के पर्व का बहुत ही महत्व है। महिलाएं ये त्यौहार भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज व्रत रखती हैं। तीज में महिलाएं भगवान शिव माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति स्थापित कर घर में मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं। तीज व्रत के त्यौहार को महिलाएं पूरी तरीके से निष्ठा के साथ निभाती हैं और बिना जल ग्रहण करे भगवान की पूजा अर्चना करती हैं और इस व्रत को निभाती हैं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।